नमस्कार किसान साथियों, अपना कृषि समाज चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं महिंद्रा यूवो टैक्स सीरीज की। साथियों, आज हम आए हैं रुकमणी ऑटोमोबाइल्स, यह जो है जहीराबाद में पड़ता है आहार बाईपास पे, जो आहार की तरफ से बुद्धपेट की तरफ जाते हैं वहाँ पर ये डीलरशिप खुली है। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिंद्रा ने जो यूवो टैक्स सीरीज है अपनी यूवो और इनके जो जीवो सीरीज है इसकी डीलरशिप अलग कर दी है। इसके अंतर्गत महिंद्रा यूवो टैक प्लस, नोवो और जीवो, जो जीवो इसके दो सिलेंडर में जो ट्रैक्टर आते हैं 225 DI और जीवो 305 DI और एक 365 DI में भी आता है फोर व्हील ड्राइव में। तो साथियों, इनकी जो डीलरशिप है उसने अलग कर दी है। और इसी के साथ में आज हम बात करने वाले हैं कि महिंद्रा यूवो टैक प्लस 575 DI की, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या इसकी कीमत है, और जो इनका 575 XT प्लस जो ट्रैक्टर आता था उससे इसमें क्या भिन्नता है। साथियों, अगर लुक वाइज बात करें तो बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त ट्रैक्टर कंपनी ने ये बनाया है। मेटलिक लुक है और सामने से हेलोजन लाइट इसमें दी हुई है। सामने से ही हम शुरुआत करते हैं और सामने ये महिंद्रा का लोगो दिया हुआ है और देखने में एकदम एक सुंदर और मजबूत ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया है। ये काफ़ी आकर्षक लुक के साथ में है और इसमें साथियों कंपनी फिटेड ही बम्पर आता है, कंपनी ने बम्पर शुरू दिया है। और आगे से हम बात करें तो इसका जो है ये फ्रंट एक्सल ये काफ़ी मजबूत दिया है और पावर स्टीयरिंग में आता है, डबल एक्टिंग रॉड के साथ में है ये साथियों। और अगर इसके अगले टायर साइज़ की बात करें तो इसमें 750/16 के अगले टायर दिए हुए हैं। और बात करते हैं इसके साथियों इंजन की, तो इसमें 47 HP का अपना महिंद्रा का इंजन है जो कि 2100 रेटेड RPM पर काम करके 47 HP प्रोड्यूस करता है। और इसमें अंदर ही एयर फिल्टर दिया है, ड्राई टाइप एयर फिल्टर है। यहाँ इसमें एक लॉक दिया है जहाँ से हम इसको बोनट को खोल सकते हैं। सिंगल हुड बोनट के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, ताकि मैकेनिक को काम करने में कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हो ये 4 सिलेंडर इंजन है, बॉश कंपनी का इसमें पंप दिया हुआ है, एक ही डीजल पंप के साथ में आता है। और एक इंजन को ठंडा रखने के लिए बड़ा रेडिएटर इसमें कंपनी ने दिया है और इसमें जो यहाँ एक कूलेंट टैंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सिंगल हुड बोनट के साथ में ये ट्रैक्टर है। इंजन की बात हो गई, अब बात करते हैं साथियों इसके प्लेटफार्म की, तो बिल्कुल फ्लैट प्लेटफार्म दिया हुआ है ताकि ऑपरेटर को कोई काम करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और देखने में भी अच्छा लगता है। और गियर्स की बात करें तो इसमें साथियों 575 में और यूवो टैक प्लस सीरीज में हाई लो मीडियम का ऑप्शन दिया है। इसमें 12 गियर आगे के और 3 गियर पीछे के दिए हुए हैं और मरघाट भी काफ़ी स्टाइलिश दिए हैं, आप देख सकते हो साथियों। और अगर इनके रियर टायर की बात करें तो इसमें 14/28 के रियर टायर आते हैं। कलर कॉम्बिनेशन रिम में भी ऐसा ही दिया है जैसे इसकी बॉडी का है। और अगर साथियों अगर इसके पिछले हिस्सा की बात करें तो इसमें एपिसाइक्लिक रिडक्शन टाइप पिछला हिस्सा है और काफ़ी मजबूत दिया है, जो इनका पहला XT मॉडल है उससे काफ़ी मजबूत इसका पिछला हिस्सा किसान साथियों दिया है। और अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 1700 kg की कंपनी ने लिफ्टिंग कैपेसिटी दी है। और जो PTO HP की बात करें तो इसमें साथियों 43.1 HP की PTO आप पावर 540 RPM पे ये करता है। और इसने कंपनी फिटेड ऑक्सिलरी वाल, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर वाल भी बोलते हैं हम, कंपनी फिटेड इसमें आते हैं। ADDC वाल के साथ में ये आता है और इसकी जो लिफ्टिंग सेंसिंग है वो भी ज़बरदस्त है। और कंपनी फिटेड काफ़ी मजबूत इसमें हिस दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो पीछे से देखने में इस तरह की कोई लुक इसमें आती है। और अब इधर साइड से देखते हैं, इधर भी इसमें साइड में महिंद्रा यूवो टैक प्लस 575 DI की
बैजिंग दी हुई है। यहाँ पर बैटरी है आप देख सकते हो, और इसमें साथियों हाइड्रोलिक पंप मतलब पावर स्टीयरिंग का और लिफ्ट का अलग अलग हैं, लेकिन दोनों साथ में जोड़ दिए हुए हैं। यहाँ से आप इसमें ऑयल ट्रैक्टर का ऑयल डाल सकते हैं। इसकी जो सर्विस है कंपनी द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार 400 घंटे में इसकी सर्विस की जाती है। दोस्तों देखने में काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर है और जो किसान भाई ले गए हैं उसका परफॉर्मेंस भी अच्छी बता रहे हैं। कंपनी ने इसमें मतलब फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री 6 ईयर वारंटी, 6 साल की इसमें वारंटी है। वारंटी में गियर इंजन लिफ्ट इन चीज़ों की कंपनी गारंटी देती है। टर्म्स ऑन कंडीशन अप्लाई है। और दोस्तों इसकी सीट जो है सीट भी बड़ी डीलक्स सीट है और आरामदायक है, बैठने में ऑपरेटर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये हाइड्रोलिक ऑपरेट करने के लिए इसमें यहाँ गियर दिया, गियर लीवर है, और इसमें जो गियर हैं वो जो गियर लीवर है इसमें 12 आगे के और 3 पीछे के गियर दिए हुए हैं। पावर स्टीयरिंग है और जो यहाँ स्विच दिए हुए हैं लाइट के जो स्विच है वो भी गाड़ियों वाले स्विच हैं, बीच में हॉर्न है और जिस तरह से गाड़ियों में आते हैं बहुत ही शानदार ये दिए हुए हैं साथियों। और ऊपर से देखने में अगर लुक की बात करें तो आप देख सकते हो इस तरह से लुक है। और इसके डीजल टैंक की बात करें तो इसमें 60 लीटर डीजल टैंक आता है, डिजिटल मीटर के साथ में ये आता है दोस्तों। और डबल क्लच में है ये ट्रैक्टर, डबल क्लच में आता है, काफ़ी सुंदर और मजबूत ट्रैक्टर है। साथियों आपसे एक ही अनुरोध है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।